मैं सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद और आदिवासी सिंगल अभियान का राष्ट्रीय सभापति। हमारे बाएं तरफ हैं मान्यवर अशोक दास, जो जनता दल यूनाइटेड पश्चिम बंगाल के प्रदेश सभापति। हमारे दाहिने तरफ हैं श्रीमती सुमित्रा मुर्मू, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आदिवासी सिंगल अभियान के। और दाहिने तरफ श्री मोहन हांसदा, जो पश्चिम बंगो झारखंड देशम पार्टी के प्रदेश सभापति। पूरे भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं, जिनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह धार्मिक मान्यता के साथ जनगणना में शामिल होने का अभी तक अधिकार नहीं मिला है, जो संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। तो पूरे देश में आदिवासी लोग का मांग है कि सरना धर्म कोड, जो आदिवासी का प्रकृति पूजा धर्म है, आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो प्रकृति पूजा करता है। आदिवासी अपना पूजा स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजा नहीं है, जाहिर थान और माझी थान है। और आदिवासी लोग एक प्रकार से हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है, और इनका वर्णों व्यवस्था भी नहीं है। तो ये सरना धर्म कोड का मांग भारत सरकार से हमारा चल रहा है। 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम हुआ था। अभी हमने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 21 जनवरी 2021 तक यदि घोषणा नहीं करेगा कि भारत के आदिवासी को सरना धर्म कोड दिया जाएगा, 2021 का जनगणना में शामिल किया जाएगा, तो 31 जनवरी 2021 को हम लोग फिर एक बार राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेगा। इसके लिए 21 जनवरी को 5 राज्य का सभी जिला मुख्यालय में बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, और माननीय राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन पत्र DM के थ्रू भेजेंगे। और इसको मजबूत करने के लिए, जन जागरण के लिए 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक 200 सरना धर्म रथ 5 प्रदेश का गांव-गांव में चलाया गया है। इस मामले पर हम झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट के। तो हमारा जो राष्ट्रीय परिषद बैठक पटना में हुआ, माननीय नीतीश कुमार, जो माननीय मुख्यमंत्री है बिहार का, उनके लीडरशिप में वहाँ भी हमने बात रखा है कि देश में अभी जनता दल यूनाइटेड को एक नेशनल विकल्प बनाना है, नीतीश कुमार जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को BJP, कांग्रेस, तृणमूल, CPM और जितना पार्टी है JMM आदि, इसका विकल्प बनाना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार बेदाग छवि का राष्ट्रीय नेता है, इसके खिलाफ ना वंशवाद, ना परिवारवाद, ना भ्रष्टाचारवाद, बेदाग विकास पुरुष है। और दूसरा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नीति है समाजवादी नीति, जनतांत्रिक नीति, धर्मनिरपेक्षता नीति। तो भारत देश सब पार्टी को देख लिया, बंगाल भी सब पार्टी को देख लिया, झारखंड भी सब पार्टी को देख लिया। तो हम लोग नीतीश कुमार के लीडरशिप में, जनता दल यूनाइटेड का लीडरशिप में, देश में आदिवासी, दलित और मुसलमान को पहले विकल्प के रूप में प्रस्तुति देंगे कि आप लोग सब पार्टी को देखा, अभी आदिवासी, दलित, मुसलमान एकजुट हो जाओ, अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाए, अगला वैकल्पिक राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड को बनाया जाए। तो आज हम लोग दक्षिण दिनाजपुर के बुनियादपुर में सरना धर्म कोड जनसभा करेंगे, जिसमें हम लोग जनता को जो आएंगे उनको बताएंगे कि आदिवासी देरो सरना धर्म कोड दिया जग केनो अन्य सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई रखे दिया हो चे, तो आदिवासी रखे केनो दिया होवे कि नहीं, ओई कथा नहीं। हमारा एक बड़ो मीटिंग करते जाच्छी, कल के हमारा मालदा जिलार गाजले एक सभा करब, तापर 13 तारीख आसामेर कोकड़ाझाड़ जिले श्रीरामपुरे सभा होवे,
14 तारीख बिहार किशनगंजे सभा होबे। तो एक प्रकार आमरा आदिवासी सेंगेल अभियान झारखंड दिसम पार्टी और बर्तमान जनता दल यूनाइटेड आदिवासी पार्टी इलेक्शन पार्टी होच्छे जनता दल यूनाइटेड पार्टी, यही सब कथा निये आमरा जगह जगह मीटिंग करछी।